पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर 1984 के सिख दंगों को भड़काने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। इन आरोपों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि सिख दंगों के इतने साल हो गए हैं, कोई भी FIR मेरे ऊपर नहीं हुई है। दंगों की जांच करने वाले आयोग ने भी मुझे क्लीन चिट दे दी है, फिर भी भाजपा के नेता झूठ बोलकर अपने पाप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिख दंगों के आरोपों को निराधार बताया। कमलनाथ ने कहा कि मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में आज तक किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई, परंतु VD शर्मा अपने 2 नंबर के काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाओं की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन है, और उन्हें लगता है कि इस प्रकार के इवेंट करने से जनता गुमराह हो जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ बचा नहीं है मेरे बारे में कहने के लिए। मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई। दंगे हैं 84 के, कोई FIR फाइल कर देता। जो भी घटना हुई वहाँ किसी ने FIR फाइल नहीं किया। 85 में, 86 में, 79 में कोई FIR नहीं। और इसके बाद एक आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया था, क्या उसके कौन से अध्यक्ष भूल गया, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। वो आयोग ने कहा ये बेकसूर है। कुछ लोग गए जो राजनीतिक दृष्टि से ये 7-8 साल पहले की बात है, भाजपा की सरकार ने ये आयोग बनाया था, और उन्होंने कहा कि ये बेकसूर है। उन्होंने दूसरों के बारे में बहुत, उसका बड़ी मोटी रिपोर्ट है करीब 100 पेज की, तो कोई उंगली नहीं उठाई इतने साल, कोई FIR नहीं। पर BD शर्मा अपने जो 2 नंबर के काम हैं उन पर इनको पर्दा डालने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिख दंगों के मामले में खुद को बेकसूर बताने के साथ मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा पर ही आरोप लगा दिए। इस पर VD शर्मा ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती है, मेरे खिलाफ एक भी सबूत लाकर बताएं। VD शर्मा किसान का बेटा है, सामान्य परिवार से है, आप छिंदवाड़ा गरीब आदिवासियों का हक मारकर अरबपति बने हैं, नहीं तो कमलनाथ जी आप बता दो 1984 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है, आयोग ने आपको सस्पेक्टेड क्यों माना है, देश जानना चाहता है। कमलनाथ जी ने कहा है कि VD शर्मा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कैबिनेट के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मंत्री रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, VD शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल देंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। और नहीं तो कमलनाथ जी आप बता दो 84 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है, आयोग ने क्या आपको सस्पेक्टेड माना है कि नहीं माना है, ये जवाब देश चाहता है। सिख भाई जिनकी निरसंस हत्याएं कर दी गई वो चाहते, दीजिए जवाब। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।